हिमाचल एवं केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम SJBN की 210 मेगावाट की निर्माणाधीन लुहारी जब विद्युत परियोजना के खिलाफ आज प्रभावित 7 पंचायतों के लोगों ने परियोजना मुख्यालय बीथल में धरना प्रदर्शन किया। हिमाचल किसान सभा के बैनर तले प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व ठियोग के माकपा विधायक राकेश सिंघा कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों और परियोजना प्रबंधकों के मध्य कोई समझौता न होते ही किसानों ने परियोजना मुख्यालय के बाहर आज से अनिश्चितकाल क्रमिक अनशन आरंभ कर दिया है। उन्होंने बताया, यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनसे पुख्ता समझौता नहीं होता। राकेश सिंघाबा प्रभावितों ने आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं और मांगों को पूर्ण करने में परियोजना निर्माता असफल हुए हैं। परियोजना निर्माता किसानों से छल कपट कर भूमि हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों को ना तो परियोजना में नौकरी दी जा रही है और न ही फसलों की नुकसानी का मुआवजा। भूमि अधिग्रहण मामला भी उलझा दिया है। परियोजना निर्माता लोगों को वाजिब मुआवजा और लाभ पहुंचाने की बजाय आपस में छल कपट से लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने बताया, SJBN लुहरी परियोजना का निर्माण कर रही है। लंबे समय से परियोजना निर्माता किसानों से ठगी कर रहे हैं। जो भूमि अधिग्रहण होना चाहिए था उस अधिग्रहण ना कर लीज पर भूमि लेने के प्रयास हो रहे हैं। इससे किसानों की भूमि बर्बाद हो जाएगी। प्रभावित लोगों को परियोजना में नौकरी नहीं दी जा रही है। ठेकेदारों के माध्यम से ठगी शुरू हुई है। वे किसान मजदूरों को ठगी का शिकार होने नहीं देंगे। अब आंदोलन शुरू हो गया है। नेगी जी, ये सतलुज जल विद्युत निगम जो इस प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है, लूरी प्रोजेक्ट का, ये लंबे समय से लोगों के साथ ठगा ठोरी कर रही है। जो भूमि का अधिग्रहण होना चाहिए था, भूमि का अधिग्रहण ना कर लीज पर भूमि लेकर उस भूमि को बर्बाद कर ये वापस करना चाहती है, ये अनुमति नहीं मिल सकती। रोजगार के नाम पर कुछ मिला नहीं है। पटेल कंपनी आई है, आगे ठेकेदारों को दे दिया है और जो अफेक्टेड पंचायत जो होनी चाहिए थी उनको शामिल तक नहीं किया गया। जो बिल्कुल अभी जो फूल लगा है, बादाम में लगा है, सेब में लगा है, जो काम चल रहा है उसने सारे फूल को बर्बाद करके छोड़ दिया है। इस प्रकार की परिस्थिति तो आज यहाँ पर मोर्चा लग गया है। मोर्चा उठेगा तब जब ये न्याय लोगों के साथ करेंगे, ना किसान को ठगने देंगे, ना मजदूर को ठगने देंगे। जो भी संस्थाएं हैं, हम व्यापक मंच का गठन करना चाहते हैं। फिलहाल किसान सभा के लोगों ने मुझे मंत्रित किया है। जिला परिषद सदस्य पूर्ण ठाकुर ने बताया, इस लुहरी परियोजना से 7 पंचायतें प्रभावित होंगी। SJBN लोगों को ठगने का काम कर रहा है। जो भूमि अधिग्रहण होना था वो भी नहीं हुआ। प्रभावितों को नौकरी भी नहीं दी जा रही है। परियोजना मुख्यालय जाने पर प्रभावितों से व्यवहार भी सही नहीं होता है। अब आंदोलन शुरू हुआ है। यह जब तक मांगे पूरी नहीं होती जारी रहेगा। चलो जी, मैं पूर्ण ठाकुर, जिला परिषद सदस्य और चाइल्ड वार्ड। तो जो ये लुरी प्रोजेक्ट बन रहा है, इससे 7 पंचायतें प्रभावित होगी, जिसमें 2 पंचायतें हमारे ज़िला कुल्लू की भी है। तो जो SJBNL है, ये लोगों को ठगने का काम कर रहा है। जो भूमि अधिग्रहण होना था वो भी नहीं हो रहा है, और नौजवानों को रोज़गार मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है। और जो इनका व्यवहार है, जब लोग इनके कार्यालय में आते हैं, वो अच्छा नहीं है लोगों से। इसलिए किसान सभा ने मुझे भी बुलाया है कि आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, आप आएँ। तो मैं तभी यहाँ आया। और ये आंदोलन जो है, ये अनिश्चितकाल के लिए जब तक रहेगा, ये तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम जो है यहीं बैठे रहेंगे। यही मलुराम ने बताया कि उनकी 5 बीघा भूमि परियोजना निर्माण में ली जा रही हैं। उनसे घर आकर परियोजना निर्माताओं ने कागजों में हस्ताक्षर करवाए, उन्हें झांसा दिया गया। अब उन्हें कागज जिन पर दस्तखत लिए गए हैं वो नहीं दिखाए जा रहे हैं। देर एक पंचायत का हूँ, मेरा नाम मलुराम है, सन ऑफ मुंगीराम। मेरी जमीन जो है नीचे प्रेरी में लग रही है, 5 बीघा जमीन है। तो ये मेरे घर में आए और मेरे से साइन करवाए, ये इंग्लिश में। मैंने बोला ये इंग्लिश में, मेरे को पता नहीं लगता है कि भाई क्या लिखा हुआ क्या नहीं। बोला ये ठीक है, सब कुछ ठीक है, बोला आप साइन कर दो। तो 3 जगह मेरे को साइन किए,
बाद में फिर मैं वापस मांगने लगा, तीन चार बार ये आया, वो बोला पेपर तो नहीं मिलेंगे तेरे को वापस। भाई क्यों नहीं मिलेंगे? बोला नौकरी दे देंगे तेरे को, पुत्र को नौकरी देंगे।